जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, पॉलिटेक्निक साइंस जो कि आपको रुक जाना नहीं, परीक्षा होने वाला है जो कक्षा 12 हाई सेकेंडरी परीक्षा, तो उसका फाइनली असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर 80 अंक का पेपर देख सकते हो, 3 घंटा समय होने वाला है आपका, 23 क्वेश्चन होने वाले, 8 पेज होने वाला है आपका, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में पेपर रहेगा आपको, 130 स्कोर होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ थोड़ा सा, ये आपको रहा, आपको आर मतलब होता है रुक जाना नहीं, -12 कक्षा 12 और 130 ये आपका कोड होगा, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पे अपना पेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये ऑलरेडी आपको पूरा ये टूजेट मिल जाएगा, हर एक पेज में आपको मिलेगा कोड नीचे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आपको थोड़ा सा इसका आंसर शीट दिखा देता हूँ, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को केवल देख के जाते हो, याद नहीं करते हो, तो आप 50 नंबर लेकर आओगे। यदि इसे तैयार कर लेते हो जो थोड़ा याद करके, तो आपको 80 में से 80 लाओगे, तो जो कि आपका एग्जामिनर जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे, तो आप काफ़ी जो एग्जामिनर चेक करेंगे, तो उनके पास एक आंसर शीट होता है, उससे मिलान करते हैं, तो वो वाला आंसर शीट भी हमारे पास है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आंसर शीट कहाँ पर। तो ये रहा आपका आंसर शीट, ये आपको वीडियो के अंत में उत्तर मिलाने के लिए मैं बता दूंगा, तो लास्ट में मिला लेना। और ऑब्जेक्टिव वगैरह तो मैं वहाँ पर टिक लगा दूंगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 2 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद आपको यहाँ पर आपको 3 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हो, इसके बाद आपका 4 नंबर, इसके बाद 5 नंबर, इसके बाद आपको यहाँ पर 6 नंबर देख सकते हो, ये आपको अथवा सहित है, इसके बाद 7 नंबर अथवा सहित, 8 नंबर अथवा सहित, 9 नंबर अथवा सहित यहाँ पे देख सकते हो, 10 नंबर अथवा सहित, सभी का उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ये 11 नंबर देख सकते हो, और ये 11 नंबर 12 नंबर आपको पूरा मिलेगा, ए टू जेड आपको 13 नंबर देख सकते हो, इसके बाद ये 14 नंबर आए, 15 नंबर रहा, इसके बाद आपको 16 नंबर देख सकते हो बहुत अच्छे से, इसके बाद आपको शॉक थेरेपी आपको देख सकते हो 16 नंबर, 17 नंबर देख सकते हो, इसके बाद 18 नंबर, सभी का उत्तर मिल जाएगा वीडियो के अंत में। चलिए आपको पेपर दिखाता हूँ, लास्ट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत अच्छे से मैं तैयार किया हूँ, ये आपको देख सकते हो। चलिए आपको पहला प्रश्न देखते हूँ पेपर। तो फाइनली विद्यार्थियों, मैंने सोल्यूशन भी दिखा दिया आपको, पेपर फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हो, पूरा ए टू जेड आपको यही होने वाला है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, 1 अंक के 6 क्वेश्चन, 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हो, बोल्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आप बोल्शेविक क्रांति आप पूछा गया था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको यहाँ पर 1917 हो जाएगा, जो कि रूसी क्रांति इसी को भी बोला जाता है, तो 1917 लिख देना। और तिथि के हिसाब से इन सब सबको क्रम दे, तो आपको यहाँ पे कौन से ABCD, जो कि आपको यहाँ पर क्या दोगे, तो ABCD आपको यहाँ पर अच्छे से देना होगा, तो ABCD आपको ए रहा। इसके बाद आपको बांग्लादेश का नाम राज्य कब अस्तित्व में आया था, तो आपको पता ही होगा कि 1971 में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ था, और तो इसमें भारत भी हाथ बटाया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान से आपको मार भगाया था भारत के लोग, भारत के सैनिक द्वारा, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका न्यूयॉर्क के मुख्यालय राइट आंसर आपका B नंबर पर है। इसके बाद भारत समर्थन करता है, तो यहाँ पर आपको किसको करता है, परमाणु हथियारों को, निशस्त्रीकरण का, आतंकवाद का, उपरोक्त सभी का, तो ये तो सभी हथियारों का नहीं करता, कभी आतंकी का भी नहीं किया है, और उपरोक्त सभी जब सभी होगा तभी होगा, तो आप यहाँ पर निशस्त्रीकरण राइट आंसर होगा, B नंबर लगाना है। इसका यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारत के देशी रियायतों की संख्या थी कितनी थी, तो यहाँ पर 565 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको अ नंबर पर है। इसके बाद आपका इंग्लिश वाला स्क्रीन शॉट रख लेना है बहुत अच्छे से लेकर, यह आपका रहा पूरा स्क्रीन शॉट, ये रहा आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, आपको यहाँ पर पहला नंबर आपके सामने देख सकते हो। पाकिस्तान खालिस्तान भावना को प्राथमिकता देता है, तो दुई राष्ट्र सिद्धांत आपको यहाँ पर लिखना होगा। बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव खालिस्तान के समूह ने प्रस्तुत किया था, तो व्यापारियों ने। सब भारतीय विदेश नीति के मुख्य विशेषता उसकी खालिस्तान नीति पर है, तो गुट निरपेक्ष की नीति। इसका मोरारजी देसाई के बाद खालिस्तान प्रधानमंत्री बने थे, तो चौधरी चरण सिंह। सब प्रजातंत्र में खालिस्तान प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है, तो जनता का। इसका अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, उसे खालिस्तान कहते हैं, तो गठबंधन की सरकार। इसके बाद सन 2004 में विश्व के 160 देशों ने खालिस्तान पर हस्ताक्षर किया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता होगा, वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट रख लेना, ये आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो आपके 1 अंक के 7 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएगा, तो यहाँ से तैयार कर लेना है।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुड़ा। 1947 में जम्मू कश्मीर का शासन कौन था? तो राजा हरि सिंह। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडों के उत्पादन के वृद्धि से संबंधित। विदेश नीति का प्रमुख निर्धारण तत्व किसे कहते हैं? तो भू राजनीतिक स्थिति। इसके बाद आपको सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? तो पार्टी के बुजुर्ग नेता जिसका पार्टी गठबंधन पर नियंत्रण करता है, जो कि बड़े बड़े आपको यहाँ पे इंदिरा गांधी के विपक्ष पार्टी को सिंडिकेट बोला जाता है। संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने, जो कि आपको बिहार से दिल्ली तक पूरा 1975 में तांडव मचा दिए थे नारा, ठीक है ना। सत्य सत देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हो बाल्टा गणराज्य का संबंध अमेरिका से है, तो असत्य हो जाएगा। आसियान 10 देशों का क्षेत्र संगठन है, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, सत्य है। भारत ने 1948 में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था, सत्य है। पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था, सत्य है। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, असत्य है, क्योंकि आपको समाजवादी पूंजीवादी दोनों है हमारे यहाँ। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट लेना, सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर देख सकते हो एक अंक के 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको मिला देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो, मिखाइल गोरबाचेव, पहला नंबर है, सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठबंधन हुआ तो 29 अक्टूबर 2004 को। चिपको आंदोलन यहाँ पर लिखा था, चिपको आंदोलन की संस्था तो पांडुरंग इसका हो जाएगा राइट आंसर। 1991-1992 में भारत के वित्त मंत्री थे, तो कौन थे? तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ पर है, यहाँ पर। क्षेत्रवाद का दूसरी प्रमाण, इसका आपको राज्य व केंद्र के बीच तनाव, और HD देवगौड़ा की सरकार के बाद, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट लेना। ये आपको प्रश्न क्रमांक 6 देख सकते हो, 6 नंबर आपके आपको पूछा गया है, सोवियत प्रणाली क्या है? तो आपको 1970 के रूसी क्रांति के बाद समाजवादी विचारधारा के अधीन समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई, उसी को कहा जाता है। भारत की पूर्व अवलोकन नीति का क्या उद्देश्य? वीडियो के अंत उत्तर मिलेगा। शरणार्थी किसे कहते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है। मानव अधिकार क्या है? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। UNEP क्या है? आप पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन आपको पता ही होगा 1992 में चलाया गया था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जिनेवा में, ये लिख लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको यहाँ पर नवीन आर्थिक नीति के दो उद्देश्य लिखना होगा 9 नंबर पे है, तो स्वतंत्रता व्यापार इसको वीडियो के अंत में लिख लेना होता है। आर्थिक उदारीकरण क्या के लाभ बताना होगा, वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। इसके बाद आपको 10 नंबर देख सकते हो, इसका भी मिल जाएगा। 8 नंबर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया, ये भी मिल जाएगा उत्तर। नीति आयोग जो कि योजना आयोग अब रख दिया गया है बदल करना, और केरल मॉडल क्या है ये देख लेना। बूट निरपेक्ष और तटस्थता में अंतर लिखना होगा, कि बन जाएगा वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। विदेश नीति का अर्थ लिखना होगा। कांग्रेस प्रणाली क्या है ये लिखना होगा। गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य? क्षेत्रीय आकांक्षाएँ क्या है? पृथकवाद का अर्थ लिखना होगा। इसके बाद आपको 15 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो गठबंधन मोर्चा के नाम लिखिए, और उन्होंने केंद्र के क्रमशः आपको 1989-1996 में सरकार बनाई ये बताना होगा। गठबंधन की राजनीति का दौर कब शुरू हुआ था? और सोवियत प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं बताना होगा। शॉक थेरेपी क्या है? मार कर घात पहुंचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2040 तक चीन सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन जाएगा, स्पष्ट कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सही बात है। ये आपको आसियान के कार्य एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश लिखना होगा, जो कि वीडियो के अंत में मिल जाएगा। भारत विभाजन के समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भी बताना होगा। और यहाँ पर नक्सलवादी आंदोलन का वर्णन कीजिए, जो कि आपको नक्सलवादी का मतलब ये होता है, बहुत अच्छे से गोरिल्ला युद्ध की तरह। आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसकी मुख्य बातें बताना होगा। भारत और श्रीलंका के मध्य मतभेद बताना होगा। सार्क संगठन के मुख्य 4 उद्देश्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO
के कार्य लिखना होगा। इसके बाद भारत की विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भूमिका का उल्लेख करना होगा। भारत तथा विश्व राजनीति में बदलते गठबंधन का वर्णन करना होगा। भारत की विदेश नीति की उपलब्धियां लिखना होगा और क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद के कारण लिखना होगा। क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रमुख कारण, चलिए सभी का उत्तर मैं बता देता हूँ। तो फाइनली विद्यार्थी अपना यहाँ पर उत्तर देख लेना, ये आपको रहा पहला का उत्तर, सी नंबर, दूसरा का चौथा नंबर, और यहाँ पे तीसरा का ए नंबर, और चौथा का बी नंबर, और यहाँ पे देख सकते हो पचवें का बी नंबर, छठवें का ए नंबर। इसके बाद रिक्तस्थान की पूर्ति करना है, पहला में द्विराष्ट्र, तीसरा में व्यापारियों, तीसरा में गुटनिरपेक्ष, और चौथा में चौधरी चरण सिंह, पचवें में जनता, छठवें में गठबंधन, और सातवें में क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द उत्तर में जल्दी जल्दी डोलाता हूँ तो साफ नहीं हो पाता है। 24 अक्टूबर 1945 यहाँ पर सुंदर लाल बहुगुणा और राजा हरि सिंह, ये आपको हो जाएगा, अंडों के उत्पादन में वृद्धि, भू राजनीतिक स्थिति, पार्टी के बुजुर्ग नेता जिसका पार्टी संगठन का नियंत्रण था, जयप्रकाश नारायण, ये हो जाएगा। इसके बाद ये आपको आप चार नंबर पे पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य, छठवां सत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, आपको सही जोड़ी मिलाना था, आप सीधे सीधा मिला लीजिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे समय न गवाते हुए आगे बढ़ता हूँ। यह प्रश्न क्रमांक आप देख सकते हो, 6 नंबर स्क्रीनशॉट ले लेना, अथवा सही थे 7 नंबर स्क्रीनशॉट, और 8 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 9 नंबर अथवा सही थे, पूरा लिखना है तो पूरा स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। या आपको 10 नंबर स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद आपको 11 नंबर देख लेना है, इसके बाद आपको ये 12 नंबर रहा, इसके बाद 12 के बाद आपको 13 नंबर, इसके बाद आपको 13 के बाद आपको 14 नंबर, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ पृथक वादे आपको, और ये आपको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपको 16 नंबर रहा बहुत अच्छे से, और ये मैंने बोला था शॉक थेरेपी, तो शॉक थेरेपी यहाँ पर देख लेना, और यहाँ पे 17 नंबर देख लेना है, तो यहाँ पे 1978 यहाँ पर चीन वाला लिख लेना है, ये अथवा नंबर लिख लेना है। इसके बाद 18 नंबर, ये 18 का अथवा रहा थोड़ा बड़ा है, इसके बाद 18 का अथवा ये 19 नंबर देख सकते हैं, ये 19 का अथवा, इसके बाद 20 नंबर देख सकते हैं, 20 के अथवा ये आपको ये अथवा या इसके बाद 22 नंबर, ये आपको 22 का अथवा, इसके बाद आपको 22 का अथवा ये 22 हो गया, इसके बाद आपको ये अगला है 22 का ही बड़ा है, इसके 22 का अथवा ये, इसके बाद आपको 23। तो ये आपको मैंने बता दिया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाइए।